Hey everyone, welcome to Shoms IAS. I am Shivangi Sharma and today I am with chapter 7 of class 11th economics. As we all know, we are doing Indian economic development and here is the chapter 7. So chapter 7 is employment. Chapter 7 is employment, growth, informalization and other issues. ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट. जैसे एक कुछ जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वर्क, वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेसिक चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मैन और वुमेन कितना कितना पार्टिसिपेट करते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, वेरियस सेक्टर्स में. उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर और एक्सटेंट. उसके बाद हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव निकाले हैं वेरियस सेक्टर और रीजन्स में. ठीक है, सो यहाँ से शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन. जैसे कि हम लोगों को पता है कि लोग हर मतलब बहुत तरह के काम करते हैं ना. कुछ फार्म्स में काम करते हैं, कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ लोग बैंक, शॉप्स, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग काम करते हैं और कुछ तो घर पे भी काम करते हैं, है ना. पहले के टाइम पे फैक्ट्रीज का जो फैक्ट्रीज थी वो लोकेटेड होती थी बेसिकली सिटीज़ में, ताकि न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आए वो जल्दी से कैच कर, मतलब जो नई भी जो जल्दी से नई टेक्नोलॉजी आती है उसको हम फैक्ट्रीज में सेटअप कर सके. ठीक है, इसलिए ज़्यादातर, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि जो फैक्ट्री बेस्ड गुड्स है ना वो कुछ लोग विलेजेस में भी बनाते थे. ठीक है, घर पे बैठ के, जैसे ये फुटबॉल देख रहे हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ वुमेंस है जो घर पे, ये पंजाब का है एक जगह जलंधर में, जहाँ पे जो MNCs है वो ऐसे गांव में इनको काम देती हैं कि वो फुटबॉल ऐसे बनाएं, बदले में उनको पे कर देते होंगे. ठीक है, बदले में उनको अपनी पेमेंट मिल जाती होगी और जितना वो पे करते होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आगे ये फुटबॉल का अमाउंट जाता होगा. ठीक है, वर्क एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों की लाइफ्स में, क्योंकि वर्क ही एक लौता तो नहीं, बट वर्क ही ऐसा सोर्स है जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं ना. जीने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत तो है, हम काम करेंगे तभी तो हमारे पास पैसा आएगा, है ना. तो देखो, वी डू नॉट वर्क ओनली फॉर आवरसेल्व्स. हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं काम करते हैं, हम इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हमें पूरी करवानी है, और उसके अलावा कुछ लोग हैं जो होते हैं ना जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, उन लोगों के लिए भी इसलिए हम बेसिकली काम करते हैं ताकि हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहे. ठीक है, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और वर्कर क्या होता है. ठीक है, देखो एम्प्लॉयमेंट है कि जो भी, सबसे पहले तो हम एक वो पढ़ते हैं कि GDP क्या होता है. हमने पहले भी GDP काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी कितना मनी ऐड किया जाता है जो टोटल मनी वैल्यू हर जो फाइनल गुड है. ठीक है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द डायरेक्ट द फाइनल कंज्यूमर एंड देर इज़ नो मोर वैल्यू टू बी एडेड इन इट. ठीक है, मतलब फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम करता है कोई भी कंज्यूमर, और इसमें अब कोई भी वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, फाइनल गुड में तो जितना भी फाइनल गुड और सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस किया जाता है विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द कंट्री, डैट इज़ नोन एज द GDP ऑफ दैट ईयर. ठीक है, ये चीज़ें तो हमें पहले भी पता है, बट फिर भी ठीक है. हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि हम जो इम्पोर्ट्स लेते हैं उसके लिए हम पे करते हैं, और हम हमारे पास जो पैसे जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उनका भी हम लोगों को मिलता है एज अ नेट अर्निंग. ठीक है, जो ये नेट अर्निंग होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल और ज़ीरो. ठीक है, जब हम इन सारे अमाउंट को ऐड करके जो हमारा ये नेट अर्निंग है इसको भी ऐड कर लेते हैं, और जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन वगैरह वो सब कुछ जब हम ऐड कर लेते हैं, जो भी हमारी इनकम एक्सपेंडिचर है उसके बाद जो मनी रहता है, डैट इज़ सॉरी हाँ जो फाइनल ट्रांजैक्शन से जो हमें एंड में मिलता है, डैट इज़ द कंट्रीज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और द GNP ऑफ दैट कंट्री, है ना. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम फॉरेन जो फॉरेन रिलेटेड है वो भी काउंट करते हैं. ठीक है, उसके बाद जो कंट्री हमारी GNP में कंट्रीब्यूट करती है, डेट आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो भी कंट्रीज हमारी GNP में कंट्रीब्यूशन देती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है. ठीक है, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काम करता है, चाहे वो बड़ा काम हो छोटा काम हो, वो वर्कर्स ही कहलाते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग एज द कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द GNP. वो जो भी काम करेंगे उनका उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो GNP में जाएगा. ठीक है,
हम ये सोचते हैं कि जो वर्कर्स वो होते हैं जिनको पे मिलती है बाय एन एम्प्लॉयर फॉर देयर वर्क आर वर्कर्स, नहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो भी वर्कर्स कहलाते हैं, ठीक है। इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो काफ़ी मल्टी फेस्ड है, मतलब काफ़ी अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं। कुछ लोगों को मंथली फेयर वेजेस मिल जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं, है ना। ऐसे कहीं ना कहीं कुछ काफ़ी मॉल प्रैक्टिसेस भी प्रेजेंट है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। देखो 1718 में इंडिया का एक स्ट्रांग वर्क फोर्स बना ऑफ अबाउट वो 471 मिलियन पीपल, ठीक है। सो देखो कितने सारे लोग, 471 मिलियन पीपल मतलब बेसिकली एम्प्लॉयड है, जिसमें से रूरल वर्कर कंस्टिट्यूट अबाउट 2/3 ऑफ दिस, ठीक है। 2/3 जो है इसका 2/3 आर कंट्रीब्यूटेड बाय द रूरल वर्कर्स ओनली, ठीक है। इसके 2/3 तो सिर्फ रूरल वर्कर्स ही हैं। इसके अलावा मैन फॉर्म ऑफ द वर्क फोर्स इन इंडिया इस मतलब हाँ ज़्यादातर मेजोरिटी जो है वो मैन ही करते, ज़्यादातर काम तो मैन ही करते, ये तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है ना। अबाउट 77% ऑफ द वर्कर, 77% वर्कर्स मैन हैं, बचे 33 ही वुमेन्स हैं, ठीक है। 23 सॉरी, ठीक है। वुमेन वर्कर्स अकाउंट फॉर 1/4 फॉर रूरल वर्क फोर्स, जो रूरल वर्क फोर्स है उसका सिर्फ 1/4 ही काम करती हैं औरत, ठीक है। और अर्बन एरियाज में 1/5, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि औरत घर का सारा काम करती हैं और कहीं ना कहीं वो लेबर का भी काम करती है, बट उनको पे जो उनकी वेजेस है ना वो फेयर नहीं मिलती, और कभी ना कभी तो मिल कभी कभी तो देती ही नहीं है। इसका एक रीज़न है कि वुमेंस को एज अ वर्कर कैटेगराइज नहीं किया जाता बहुत जगह पे, बट इकोनॉमिस्ट अभी भी आर्ग्यू कर ही रहे हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, वर्क पॉपुलेशन रेशियो, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे रेशियो है जिसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे कितने कितनी मतलब पॉपुलेशन में से कितने लोग जो वर्कर है, कितने लोग GNP में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। हाँ कितना लोग जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंट्री में अपना मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं एक्टिवली। तो इस GNP निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें अगर आपको जानना है कि आपका वर्क पॉपुलेशन रेशियो क्या है, तो उसमें बेसिकली आपको करना क्या होता है कि आपको डिवाइड करनी होती है वो सारी जो भी आपकी टोटल पॉपुलेशन, एक मिनट, उसमें आपको आपका जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है, कितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है, सपोज आपकी कंट्री में 100 लोग हैं, ठीक है। 100 में से जो 30 लोग हैं ना वो आपके मतलब आप वो आपके वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज 30% लोग जो मतलब 100 में से 30 लोग जो है वो आपका काम करते हैं, तो अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो ऑफ कोर्स आप 100 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 30% ऑफ द पीपल आर वर्कर्स, 30% ऑफ द पीपल काम करते हैं आपकी कंट्री पे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है वर्क पॉपुलेशन रेशियो ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर हम देखें 7.1 टेबल, तो इसमें हमें पता चलता है कि हमारा वर्क पॉपुलेशन रेशियो है क्या है इंडिया का अकॉर्डिंग टू 2017-18, ठीक है। वर्क पॉपुलेशन रेशियो अगर हम देखें तो ये है रूरल एरिया में, एंड दिस इज एन अर्बन एरिया। मैन 51.7% मैन काम करते हैं रूरल एरिया में, एंड 53% काम करते हैं अर्बन एरिया में, ठीक है। अगर हम वुमेंस का देखें तो वुमेंस 17.5% वुमेन काम करती है रूरल में, और अर्बन में 14.2, ठीक है। तो अगर हम टोटल देखें तो वुमेन का सिर्फ 16.5 है और मैन का है 52.1। तो कितना कितना बड़ा गैप है, आप देखो कितने कितना बड़ा गैप है लोगों के बीच में, मतलब मैन और वुमेन के बीच में कितना गैप है, कितने सारी वुमेन्स अभी भी काम नहीं करती हैं, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। बाय नोइंग द स्टेटस विद विच अ वर्कर इज प्लेस्ड इन एन एंटरप्राइज, इट मे बी पॉसिबल टू नो वन डायमेंशन क्वालिटी। क्वालिटी मतलब अगर हम ये देखें कि कोई भी वर्कर किस तरह पे काम करता है, कैसे एंटरप्राइज से काम करता है, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी एम्प्लॉयमेंट का क्वालिटी क्या है हमारी कंट्री में, ठीक है। सो इधर हम देखें कि
जो हमारे लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको ना डिवाइड किया गया है अलग अलग प्रोपोर्शन में. वेट अ मिनट. हाँ, अलग अलग प्रोपोर्शंस में डिवाइड किया गया है. जैसे उनमें से कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड. व्हाट आर सेल्फ एम्प्लॉयड? मतलब जो खुद ऑपरेट करते हैं एंटरप्राइज और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं. ठीक है, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि खुद अपना एक एंटरप्राइज ऑपरेट करते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं कैजुअल वेज लेबरर्स, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स के करके अपना एक यू नो कॉन्स्टेंट कैजुअल वेज, अपना वेज जनरेट करते हैं. वो कैजुअल वेज लेबर हो जाते हैं. उसके बाद वर्कर्स जो किसी एंटरप्राइज में एंगेज होते हैं अपनी वेजेस के लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, आर रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट का जेंडर के अकॉर्डिंग. ठीक है, अगर हम मेल में देखें तो जो हमारे रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड हैं वो हैं 52%. ठीक है, 52% जो है वो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड है मेल में. और ओ सॉरी सॉरी, तो ये जो 52% है ये सेल्फ एम्प्लॉयड है. आई एम वेरी सॉरी, 52% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है. जो रूरल सैलरी एम्प्लॉयर्स हैं वो है 24%. उसके बाद जो कैजुअल वर्क लेबरर है वो है 24%. ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस वन, कि ये मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई. सेल्फ एम्प्लॉयड है 52%, रूरल जो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयर्स हैं वो है 24%, और जो कैजुअल वेज लेबरर्स है वो है 24%. सेम हम यहाँ पे वुमेंस में चेक कर लेते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो 52% वुमेन्स जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. ठीक है, फीमेल वर्कर्स. उसके बाद जो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज़ हैं वो है अराउंड 21%, और बचे हुए जो कैजुअल वेज लेबरर्स है वो है कैजुअल वेज लेबरर्स सॉरी वो है 27%. ठीक है, अब हम सेम चीज़ देख लेते हैं अर्बन और रूरल के बेसिस पे. ठीक है, रीजन के बेसिस पे भी एक बार कैटेगराइज कर लेते हैं चीज़ें. अगर हम देखें अर्बन वर्कों में जो कैजुअल वेज लेबरर्स है वो है 15%. ठीक है, जो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड है, जो सैलरी लेते हैं रेगुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होके, इज़ 47%, और सेल्फ एम्प्लॉयड है 38%. ठीक है, अब हम रूरल एरिया में देखें तो 58% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, 29% जो है वो कैजुअल वेज लेबरर्स है, वो 13% है रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज़. ठीक है, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल वे में. इधर इधर अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट इन फर्म, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस. इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लेबर फ्लोज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. अगर हम शुरू से देखें तो लोग ना लोगों में एक वो था कि मतलब पहले ज़्यादातर लोग उस पर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे. फिर उनका अटेंशन थोड़ा इंडस्ट्री, फिर इंडस्ट्री और सर्विसेज की तरह गया. और इसी की वजह से लोग जो थे वो रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट भी करना शुरू किए. ठीक है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर ने अपना शेयर लूज करना शुरू किया, जबकि टोटल एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी कमी देखने को मिली, क्योंकि लोग ज़्यादातर सर्विस सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, और सर्विस सेक्टर में काफ़ी रैपिड एक्सपेंडेशन हमें देखने को मिला. ठीक है, जनरली हम डिवाइड करते हैं जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इनको हमने ना 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिविजन्स में डिवाइड करके रखा है, जिसमें से है एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज. ठीक है, बट इनको सिंपलिसिटी देने के लिए हमने इनको 3 बेसिक डिविजन्स में कैटेगराइज किया, उनको क्लब कर दिया. ठीक है, सबसे पहले बना प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में आई फर्स्ट एंड सेकेंड. व्हाट आर फर्स्ट एंड सेकेंड? एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आती है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें है ना. उसी बताते हैं सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में आया मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, गैस एंड वाटर सप्लाई. ठीक है, ये सारी आती है इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में. उसके बाद आता है सर्विस सेक्टर, जिसमें ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सर्विसेज और ट्रेड, ये सारी चीज़ें आई इसमें. ठीक, सर्विस सेक्टर में जैसे जैसे इनका नाम है वैसे वैसे आप देखो, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर बेस, फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर इज टर्शियरी सेक्टर एज वेल. ठीक है, अब हम टेबल 7.2 देख लेते हैं ताकि हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका भी पता चल जाए, बेसिक डाटा इसका भी, डेटा इसका भी पता चल जाए. अब हम देखें यहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस और सेक्स के बेसिस पे डिवाइड की हैं चीज़ें. ठीक है,
इंडस्ट्रियल कैटेगरी विच इज़ फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो हम रूरल एरिया में देखें तो 59.8% लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, 6.6% ही अर्बन सेक्टर में, ठीक है। अर्बन सेक्टर में एग्रीकल्चर थोड़ा कंपेरेटिवली लेस है। मेंस में अगर हम देखें तो 40.7% जो मैन है वो डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर में, और 57% वुमेंस फीमेल, सॉरी 57% फीमेल्स प्राइमरी सेक्टर में। टोटल अगर हम इसका करें तो इट इज़ 44.6%। अगला आता है सेकेंडरी सेक्टर, तो रूरल में सेकेंडरी सेक्टर इज़ 20.4, अर्बन में 34.3, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा है अर्बन एरिया में। अगर हम मैन देखें तो 26.5% मैन डिपेंडेंट है सेकेंडरी पे, और फीमेल 17.7। इसका टोटल बनता है 24.4%। फिर आता है टर्शरी या सर्विस सेक्टर, विच रूरल में है जिसका 19, अर्बन में है 59.1। अगर हम मैन देखें तो 32.8% मैन, और फीमेल्स में देखें तो 25.5% मैन, जिसका टोटल बनता है 31%, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है विच इज़ ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर हम पिछले 70 ईयर्स से देखें तो हम लोगों ने डेवलपमेंट को प्लान करके रखा था, हमने हमने एम किया था कि हम एक्सपेंशन देखेंगे हमारी इकोनॉमी का, है ना, और नेशनल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीमेंट भी होगा। 1950 से 2010 के पीरियड में हमारी जो GDP है वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी पॉजिटिवली वे में ग्रो हुई, और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ थी इससे ज़्यादा थी, ठीक है। हमारी GDP की ग्रोथ ज़्यादा है बट हमारी एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ इतनी नहीं है, ठीक है, उस कंपेरेटिवली लेस है। अब अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट लेट 1990s में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और जबकि हमारी जो GDP है वो तो इंक्रीज़ कर रही थी, बट हमारी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ डिक्लाइन करना शुरू किया और उस लेवल पे पहुंच गई जहाँ पे हमारी कंट्री ने, मतलब स्टेजेस शुरू ही किए थे जो अर्ली स्टेजेस में जब हम प्लान कर रहे थे उसी सिचुएशन में आके रुक गई, ठीक है। हमें हमारी GDP और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है इसके बीच में एक लार्ज डिफरेंस देखने को मिला, अ लार्ज डिफरेंस, ठीक है। तो स्कॉलर्स ने बताया ये सिचुएशन जब हमारी GDP में तो इंक्रीमेंट है बट हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में तो अभी भी उतना ही लेस जा रही है, एम्प्लॉयमेंट नेगेटिव जा रही है, इसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मतलब कंट्री में ग्रोथ तो हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉबलेस हैं अभी भी लोग जॉबलेस होने के बावजूद भी हमारी GDP में ग्रोथ है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। हाँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल इन वेरियस इंडस्ट्री, सॉरी, हाँ, हमने पढ़ा कि कैसे, अब हम देखेंगे कि कैसे एम्प्लॉयमेंट अलग अलग इंडस्ट्रीज में और उनका क्या क्या स्टेटस था उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें डिवाइड हुई, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता था कि ज़्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, ठीक है, मेन लेवलीहुड तो एग्रीकल्चर का ही है हमारी कंट्री में। जो हमारी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज थी इंक्लूडिंग इंडिया, ज़्यादातर कंट्रीज में ये था कि एग्रीकल्चर पे कितने लोग डिपेंडेंट है उसका प्रोपोर्शन हम कम करेंगे, ताकि, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था इंडिया में डिस्क्रिस्ट एम्प्लॉयमेंट चलता है बेसिकली इन द फार्मर सेक्टर, ठीक है, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्क्रिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट चलता है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक ग्राफ जिसमें हमें ग्रोथ पता चलेगी, ठीक है। 1951-56 में देखो कि कैसे दिस वन इज़ आर GDP एंड दिस वन इज़ आर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखो GDP ने कैसे ग्रोथ की, 14 जब 50-56 आया तब काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली, बट 1961 में एक डिक्लाइन देखने को मिला हमें अराउंड 2%, उसके बाद फिर से इंक्रीज़ हुई GDP इन 1969-74, और 1974-79 के बाद हमारी GDP ने इंक्रीमेंट ही किया टिल 1985 नहीं और 90 में, बट 1990 से लेकर 1992 तक हमारी GDP फिर से गिरी, बट 1997 में 2000 तक जो पिकअप किया इट वाज 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिला हमें, 3% का एक डायरेक्ट इंक्रीमेंट। उसके बाद एक साल तक 1919 से लेकर 2005 तक कांस्टेंट ही रही हमारी GDP, उसके बाद हमें ऑलमोस्ट 3% का फिर से एक इंक्रीमेंट देखने को मिला 2005-10 में, और 2010-11 में थोड़ा डिक्रीमेंट देखने मिला हमें अराउंड 0.9% का, विच वॉज
इन 2010 एंड 12, ठीक है, अगर अब हम सेम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो 39% वॉज इन 1561, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला हमें 85, 1961 में 66 से, 1961 से लेके 66 के 5 ईयर के उसमें हमें एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला, फिर धीरे 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 टिल 1985 टू 90 हमारी जीडीपी डिक्रीमेंट में रही, ठीक है। बट उसके बाद जो रैपिड डिक्रीमेंट आया वो आया 1990 से लेके 2000 के बीच में, इन डिक्रीमेंट ही चलता रहा, ठीक है, जीडीपी में, सॉरी एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद 1999 से लेके 2005 में आपको मिला था थोड़ा सा इंक्रीमेंट, उसके बाद अगले ही उसी 5 साल के बाद एक इतना डिक्रीमेंट देखने को मिलता है कि हम 0 पॉइंट्स में पहुंच जाते हैं, और अभी 2010-12 में 1.12। तो अब यहाँ देखो, जहाँ पे हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो है सिर्फ 1.12%, वहाँ पर हमारी जीडीपी है 7.8%। तो कितना ये जो बीच का गैप है ये कितना बड़ी अमाउंट में है, ठीक है, दिस इज़ समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। अब हम देखें कि हाँ, जब जो स्कॉलर्स बोलते हैं जिसमें ज़्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट में यू शिफ्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे देखेंगे हम टेबल 7.3, इधर हमें मिलता है हमारा एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, ठीक है। अब हम देखें कि प्राइमरी सेक्टर में कितने ईयर है और प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग डिपेंडेंट है, इस 474.3, 68.6, 64, 48 एंड 44.6। 2017-18 में ये है 44.6, सेकेंडरी में आ जाता है 10, 11, 16, 24 एंड 24, ठीक है। इसमें इंक्रीमेंट है, सर्विसेज में 14, 16, 20, 26 एंड 31, इसमें भी इंक्रीमेंट है। अब हम देखिए स्टेटस सेल्फ एम्प्लॉयड का, सेल्फ एम्प्लॉयड है 61, 61 के बाद 52। अगर हम देखिए इसमें थोड़ा सा हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। फिर जो रूरल सैलरी है उसमें हम देखिए 15.4 से 22.8, कैजुअल वर्क लेबर 23.2 से 25, ठीक है। इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट इन प्लानिंग इन इंडिया सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस वो टू प्रोवाइड डिसेंट लिवलीहुड टू इट्स पीपल। हाँ, हमारी कंट्री का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था ही था कि उनके जो लोग हैं उनको एक डिसेंट लिवलीहुड मिल जाए, ठीक है। आज़ादी के 70 साल के बाद भी ज़्यादातर जो लोग हैं हमारी कंट्री के, मोर देन हाफ, वो अभी भी फार्मिंग में ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर हम देखें कि, और ज़्यादातर ऐसा भी है कि इकोनॉमिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि 10 से 20 साल के बाद, 10 से 10 से 20 साल तक जो लोग एक जॉब में काम कर रहे हैं उनको भी एक मैटर्निटी बेनिफिट्स नहीं मिलते जो चाहिए, प्रोफंड, ग्रेजुएटी, पेंशन, ये सारी चीज़ें ना कहीं मिसिंग है। तो हम देखें कि इसकी वजह से भी लोग जो है फार्मिंग पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट है और फार्मिंग से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। इसके लिए गवर्नमेंट ने लेबर लॉज अनेबल किए जिसमें उनके जो बेसिक राइट्स है उनको हाईलाइट किया, और वो ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके बेसिक राइट्स है क्या, ठीक है। उसके बाद दिस सेक्शन ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम फॉर्म स्टेट यूनियन, इसे ट्रेड यूनियन बना। उसके बाद क्या वेजेस होने चाहिए और जो भी अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स थे वो भी बने गए, ठीक है। इसमें इन्होंने वर्कफोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। जो भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर थे जो 10 से 10 वर्कर्स या उनसे ज़्यादा हायर करते थे वर्स द फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। और जो मतलब जो इन एस्टेब्लिश के अंदर काम करते थे जो लोग, देवर फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, ठीक है। अब हम देखें कि जो इनफॉर्मल सेक्टर आता है उसमें आते हैं मिलियंस ऑफ फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबर, स्मॉल एंटरप्राइजेस, पीपल वर्किंग इन दोज एंटरप्राइजेस आर आल्सो द सेल्फ एम्प्लॉयड हु डू नॉट हैव एनी हायर्ड वर्कर्स, ठीक है, ये आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। अब हम यहाँ पे देखिए ग्राफ में तो हमें पता चल रहा है कि फॉर्मल ये मेल्स और फीमेल्स का है। तो अगर हम देखिए इन मिलियंस 21 स्पीसीज, ये देखो अगर हम इधर देखें तो जितने मेल्स फॉर्मल लेवल पे कितने मेल्स हैं वो हैं सिर्फ
50% भी नहीं है, इससे भी कम है ये। 50% ऑफ 24, सॉरी 24% है ये, 24% ऑफ मेल फॉर्मल सेक्टर में डिपेंडेंट है और सिर्फ 6% ऑफ फीमेल्स फॉर्मल सेक्टर पे काम करती है, जबकि ये इन मिलियंस है, ये भी याद रखना। 24 मिलियन लोग मेल फॉर्मल सेक्टर पे है और 6% फीमेल फॉर्मल सेक्टर पे, ठीक है। अब हम देखें तो 310 मिलियन मेंस इनफॉर्मल सेक्टर पे काम करते हैं और 133 वुमेन इनफॉर्मल सेक्टर पे, ठीक है। देखो कितना सारा, कितना बड़ा डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल के साथ साथ मेल और फीमेल का भी, ठीक है। जो भी एफर्ट्स ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए, उससे गवर्नमेंट को एक गवर्नमेंट इनिशिएट हुई ताकि वो इन्फॉर्मल सेक्टर को थोड़ा मॉडर्नाइज करे और सभी को एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, है ना, ठीक है। अब हम आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। वैसे तो हम सभी ऑलरेडी इस चीज़ से फेमिलियर है, बट स्टिल, ठीक। द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जिसको पहले नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO बोला जाता था, ठीक है, सॉरी NSSO, बट अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डिफाइन करता है कि जो भी लोग जिनको जिनके पास काम नहीं है वो काम ढूंढ रहे हैं, और जो काम ढूंढ रहे हैं फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास बट उनको अभी भी काम नहीं मिल रहा, जो जिनके पास विलिंगनेस है काम करने की, अवेलेबिलिटी भी है बट उनके पास जॉब नहीं है, उनको पता नहीं है कि जॉब कहाँ से करनी है, उनके पास जॉब की कमी है, दीज पर्सन आर अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, ठीक है। इकोनॉमिक्स डिफाइन करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन वो है जिसके पास, जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल, मतलब जो भी आदमी एक आधे दिन में एक घंटे से भी कम काम करता है वो उसको इकोनॉमिस्ट अनएम्प्लॉयड डिवाइड डिस वो कर लेते हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर देते हैं। इन देर आर थ्री सोर्स ऑफ डाटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के थ्री सोर्स ऑफ डाटा है, वैसे रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस, उसके बाद एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ठीक है। इकोनॉमिक बताते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट हमारे इंडियन फार्म्स में है यह है डिस्किस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्किस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लोग जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम करें, ये हम प्रीवियस चैप्टर में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में। अब देखो सपोज ये चार फार्मर्स काम कर रहे हैं इस फील्ड पे, ठीक है, बट इस फील्ड पे जो दो लोग हैं उनसे ही इनफ काम हो सकता है, ठीक है। ये जो बाकी के दो है ना, इनके हाथ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें से। ऐसा तो है नहीं कि ये भी काम करेंगे तो ज़्यादा आउटकम आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो ये दो लोग ही काम करना सफिशियंट है, इसलिए ये जो बचे के दो लोग हैं जिनका काम करना ना करना एक बराबर है, ये हैं डिस्किस्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं बट इनका कोई फ़ायदा है ही नहीं काम करने का, ठीक है, इनको डिस्किस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसा है कि सपोज कोई भी फार्मर है, ठीक है, जो बेसिकली राबी क्रॉप्स पे डिपेंडेंट है, जिसके पास राबी क्रॉप्स ज़्यादा उगाई जाती है, तो खरीफ क्रॉप की सीज़न जब तक खरीफ क्रॉप का सीज़न चल रहा होगा तब तक तो वो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड होगा। जैसे राबी क्रॉप का सीज़न चल पड़ेगा वो तब उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, ठीक है, तब वो उसको काट कूट के उसको पैसे, ठीक है, मतलब वो दूसरों के फार्म में भी जाके काम करेगा, ऐसा होता है। जैसे सपोज अगर बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में काफ़ी फार्मर्स को काम नहीं मिलता, ठीक है, क्लेमिटी चल रही है, कोई भी बेसिक रीज़न हो सकता है, और बाकी के टाइम उनके पास फुल काम होता है, ठीक है। अब देखते हैं गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। जैसे हमने पढ़ा है, काफ़ी बार डिस्कस किया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, जो प्रॉमिस करता है, जो गारंटी करता है कि वो एक परिवार से 100 दिन की, मतलब एक परिवार से एक आदमी को 100 दिन के काम की गारंटी तो देता ही देता है, उसमें कोई बेसिक स्किल की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सिंस इंडिपेंडेंस एंड स्टेट गवर्नमेंट
यूनियन स्टेट, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली, यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, वो अपना एक रोल प्ले कर ही रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके. ये डायरेक्ट भी किया, इनडायरेक्टली भी किया, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऐसे करती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव के पर्पज़ से, मतलब लोगों को डायरेक्टली, लोगों को चूज़ करके गवर्नमेंट में जॉब मिल जाती है ना, वो तो डायरेक्ट है. जैसे लोग, काफ़ी लोग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, जबकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब प्राइवेट एंटरप्राइजेज होती हैं ना, जब प्राइवेट एंटरप्राइजेज होती है, उनको भी जो रॉ गुड्स मिलता है, कहीं ना कहीं जब वो रॉ गुड्स उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, तो वो भी अपनी वैकेंसीज खोलती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल सके और ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम हो जाए, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव तो प्रॉफिट जनरेशन ही होता है. ठीक है, जैसे हमने चैप्टर 4 में भी काफ़ी प्रोग्राम डिस्कस कर लिए थे जो हमने पॉवर्टी के थ्रू किए थे, तो उसका भी एक मेन वो था कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स थे उसमें भी. ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसलिए थी क्योंकि अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी तभी तो पॉवर्टी हटेगी, इसके लिए. ठीक है, न्यूली इमर्जिंग जॉब्स आर फाउंड मोस्टली इन द सर्विस सेक्टर. आज के टाइम पे ज़्यादातर जो इमर्जिंग जॉब्स है वो सर्विस सेक्टर में ही देखी जाती है. ठीक है, सर्विस सेक्टर में एक लार्ज एक्सपेंशन देखने को मिलता है, और ऐसा तो फार्मिंग सेक्टर में भी लोगों की कमी है. ठीक है, मतलब लोग अब धीरे धीरे कम हो रहे, विच इज़ काइंड ऑफ गुड. अगर क्योंकि फार्मिंग सेक्टर में लोगों का मैन, जो वर्क फोर्स था, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स था, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा था. ठीक है, और इसी की वजह से हमें जो लास्ट फ्यू डिकेड्स है उसमें हमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलती है हमारी GDP में. ठीक है, रूरल एरिया के साथ साथ अर्बन एरिया भी, सॉरी, अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अब रूरल एरिया में भी गवर्नमेंट पर्टिकुलरली लाने की कोशिश, गवर्नमेंट काफ़ी लेकर आ चुकी है. ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर द चैप्टर एंड द वीडियो एज वेल. होप यू लाइक इट. थैंक यू वेरी मच.